वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। जैसे कि आप लोग जानते ही हो, हमने रॉक्स रिएक्शन स्टार्ट किया था। उसमें हमने कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर को कंप्लीट किया था दो लेक्चर्स में। आज है रॉक्स रिएक्शन का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन डिस्कस कर लेंगे, मतलब रॉक्स रिएक्शन का कंसेप्ट डिस्कस कर लेंगे। चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेक्चर, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है हमारा टॉपिक। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रिडक्शन पहले समझेंगे ऑक्सीडेशन, उसके पैरेलल में समझेंगे रिडक्शन क्या है, तो बाद में रिडॉक्स रिएक्शन पे आएंगे। देखो ऑक्सीडेशन, अगर आप छोटे क्लासों में आपने सुना होगा ऑक्सीडेशन क्या होती है, क्या होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये हम आपने क्लास 10th में ये चीज़ सुनी होगी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड। अब यहाँ पे भी आपने इसका जस्ट रिवर्स किया होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिडक्शन। बट वो हम डेफिनेशन, क्योंकि वो डेफिनेशन इज एट टाइम्स ऑक्सीजन यूज नहीं होता है, हमेशा ऑक्सीजन यूज नहीं होगा, मतलब विदाउट ऑक्सीजन भी एंड विदाउट हाइड्रोजन भी कुछ रिएक्शंस ऑक्सीडेशन होती है और कुछ रिएक्शंस रिडक्शन होते हैं। तो आप वो ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, वो भी सही डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के, मतलब ऑक्सीजन का ऐड करना, हाइड्रोजन का रिमूव करना, वो भी सही है ऑक्सीडेशन के लिए। यहाँ पर भी हाइड्रोजन का ऐड करना और ऑक्सीजन का रिमूव करना, वो भी सही है रिडक्शन के लिए डेफिनेशन। बट हमेशा कुछ रिएक्शन ऐसी भी होती है जहाँ पे ना ही ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है और ना ही हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है, तो इसीलिए मैं वो डेफिनेशन अब टच नहीं करना चाहता हूँ। अदरवाइज वो डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए, वो डेफिनेशंस है, वो पुरानी डेफिनेशंस है। उसके बाद अगर हम इसको और एक तरीके में भी डिफाइन कर सकते हैं, मैं मुझे चाहिए दो डेफिनेशंस, वही मैं आगे डिस्कस कर लूँगा। इसके लिए और एक डेफिनेशन ये भी है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ, क्योंकि ऑक्सीजन खुद क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर ऑक्सीजन की जगह कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड करेंगे, वो भी क्या है, तो यहाँ पर क्या होगा फिर, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्योंकि यहाँ पे हम ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, ऑक्सीजन खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर उसको रिमूव कर लेंगे, अगर उसकी जगह किसी और इलेक्ट्रोनेगेटिव को रिमूव करेंगे, वो भी क्या है, रिडक्शन। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, रिमूवल ऑफ, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब अगर जस्ट उसका उल्टा कर लेंगे, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड करना ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रो पॉजिटिव रिमूव करना ऑक्सीडेशन। समझ आ रही है मेरी बात, तो इसका क्या आएगा फिर, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव, राइट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव, वो भी ऑक्सीडेशन ही है, सॉरी रिडक्शन। या इसको आप और भी एक वे में डिफाइन कर सकते हो, इंक्रीज इन वैलेंसी, इंक्रीज इन वैलेंसी, वो भी ऑक्सीडेशन ही होती है। यहाँ पे क्या आएगी फिर, रिडक्शन में डिक्रीज इन वैलेंसी, डिक्रीज इन वैलेंसी का मतलब रिडक्शन। ये थे कुछ पुराने डेफिनेशंस, चलो एक मिनट में और समराइज कर लेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिडक्शन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट ऑक्सीडेशन, यहां पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट रिडक्शन, इंक्रीज इन वैलेंसी
ऑक्सीडेशन, यहाँ पे डिक्रीज इन वैलेंसी। तो जितने भी मैंने ये चार पांच डेफिनेशंस आपके सामने रखे हैं, ये बहुत ही पुराने डेफिनेशंस है, कई बार एट टाइम्स मतलब कुछ केसेस में ये डेफिनेशंस फेल होती है, बट एक अच्छी डेफिनेशन बनाएंगे जो कभी भी फेल नहीं होगी। तो मतलब जितने भी हमने डेफिनेशंस बनाए ना, उनकी समराइज करने के एक ही डेफिनेशन बनाएंगे जो हम आज से लेकर एंड तक जब भी आपके सामने ऑक्सीडेशन आएगी और रिडक्शन आएगी तो आप उन्हीं डेफिनेशंस का यूज करोगे, क्योंकि वो मॉडर्न डेफिनेशंस भी है। मॉडर्न डेफिनेशंस किनकी? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के लिए मॉडर्न डेफिनेशंस क्या है, या उनको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करना। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस हुए कि गेन हुए, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन डिफाइन। ये जो कंसेप्ट है ये फ्रैंकलिन ने दिया था, मतलब फ्रैंकलिन ने सबसे पहले डिफाइन किया था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। फ्रैंकलिन ने दिया था, ये इस साहब ने ये दिया था, मतलब इसने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन किया था इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। देखो उसने क्या बोला था, ऑक्सीडेशन का मतलब लिखो, आप लिखो, मैं बोल रहा हूं, द प्रोसेस इन विच एन एटम, ऑक्सीडेशन एक काम होती है, द प्रोसेस इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, ये एक भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, टेकिंग पार्ट, द प्रोसेस इन विच एन एटम, ऐसे लिखना था आपको, ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस, सही वही रहेगा, ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स taking part in chemical reactions, loses one or more electrons. उसी process को हम क्या बोलते हैं, oxidation। अब इसके पैरेलल में क्या जाएगी, रिडक्शन। लिखो, रिडक्शन इज द प्रोसेस इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स गेन, क्या लिखोगे, रिडक्शन इज द प्रोसेस इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस गेन्स वन आर मोर इलेक्ट्रॉन्स। तो यह है एक अच्छी डेफिनेशन जो आप हर एक जगह पे यूज करोगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए। क्या बोला मैंने, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या बोला मैंने, सिंपली जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, चाहे एक एटम लॉस करेगा या ग्रुप ऑफ एटम्स लॉस करेंगे, उस प्रोसेस को हमने नाम दिया है ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन्स का गेन होना, चाहे एक एटम गेन करे या ग्रुप ऑफ एटम्स अगर गेन करेंगे उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडक्शन। तो सिंपली क्या बोलेंगे, अगर शॉर्ट में बोलेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, तो यहां पर क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन is called reduction। समझ लेना, loss of electron, electron का remove होना, electron का मतलब electron को बाहर निकालना, इसको हम बोलते हैं chemistry में de-electronation।
क्या बोलते हैं, डी इलेक्ट्रोनेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन का रिमूवल, डी मतलब जैसे कि आप सुनते हो डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर, पढ़ते हो ना बायोसाइंस में या अदर सब्जेक्ट्स में डिहाइड्रेशन, या ऑर्गेनिक में पढ़ते हो ज्यादा, डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर का रिमूव होना। तो अब यहां पे कर लो डी इलेक्ट्रोनेशन, डी इलेक्ट्रोनेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का क्या मतलब आएगा, डी इलेक्ट्रोनेशन में से डी काट लो तो वो क्या बनेगा, इलेक्ट्रोनेशन। इलेक्ट्रोनेशन का मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये है इलेक्ट्रोनेशन, इलेक्ट्रोनेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन का ऐड होना, इलेक्ट्रॉन का ऐड होना का मतलब गेन इलेक्ट्रॉन होने, गेन इलेक्ट्रॉन का मतलब रिडक्शन। यहां पे क्या हो रहा है, डी इलेक्ट्रोनेशन। इलेक्ट्रोनेशन, डी इलेक्ट्रोनेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना, इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना, रिमूव मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो डी इलेक्ट्रोनेशन ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोनेशन रिडक्शन। ये कंसेप्ट किसने दिया था, फ्रैंकलिन साहब ने दिया था सबसे पहले। चलो आपको इतना तो समझ आया है, ये है मॉडर्न डेफिनेशन, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। अब देखो और एक चीज, जैसे कि यहां पे अगर मैं एक एग्जांपल यहां पे ले लूं, Fe+2, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप। अगर मैं इसको ये कर लूं ऐसे Fe+3, देखो यहां पे चार्ज क्या है, मतलब ऑलरेडी इसने पहले से दो इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए हुए। अब प्रोडक्ट साइड में क्या है, मतलब आप तो और एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ ना, तो मतलब यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीज होना उसका मतलब इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होना, पॉजिटिव चार्ज का कम होना उसका मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन होना, राइट। तो बता ये कौन सी प्रोसेस है, क्या ये इलेक्ट्रोनेशन है ना, इलेक्ट्रोनेशन अभी समझाया था आपको, हाँ डी इलेक्ट्रोनेशन है ये। क्या ये डी इलेक्ट्रोनेशन है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो ये कौन सी प्रोसेस आ गई, ऑक्सीडेशन। इतना क्लियर। अब इसका जस्ट रिवर्स कर लो, यहां पे ऐसे Fe+3 को एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो, बताइए अब क्या होगा, यहां पे 3 पॉजिटिव है, अब इसमें एक नेगेटिव ऐड कर रहे हो तो ये क्या जाएगा, 2, मतलब एक तो न्यूट्रल होगा ना, +1 +3 में से एक न्यूट्रल होगा, क्या बनेगा रिजल्ट, Fe। बताइए कौन सी प्रोसेस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एडिशन हुई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का यहाँ से यहाँ जाओ रिमूवल हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एडिशन हुई, तो ये है इलेक्ट्रोनेशन। इलेक्ट्रोनेशन का मतलब रिडक्शन, इलेक्ट्रोनेशन का मतलब रिडक्शन, राइट। इतना समझ आ रहा है। अब देखो और एक चीज, या आप और एक एग्जांपल देंगे, यहां पे ऐसे Na gives Na+1 electron, बताइए कौन सी प्रोसेस है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, यहां से यहां जाओ इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हुआ, डी इलेक्ट्रोनेशन, ये भी ऑक्सीडेशन है। अब यहां बताइए देखो Cl+1 electron, तो क्या बनेगा, Cl नेगेटिव। चलो बैलेंस करेंगे, वैसे Cl तो इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, किस फॉर्म में, Cl2, तो यहां पे क्या आएगा, Cl2 Cl, तो एक को एक इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या आएंगे फिर, 2 इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंस हुई इस तरह से रिएक्शन। तो वो कौन सी प्रोसेस है, इलेक्ट्रोनेशन, ये रिडक्शन है, ये क्या है, ऑक्सीडेशन। या आप ऐसे भी कर सकते हो Cr2O7 2-, Cr2O7 2-, अगर मैं इसमें ये कर लूं
Fe3+ क्या कर लो Fe2+ कर लो। यहां देख लो चलो इस एग्जांपल को बाद में डिस्कस कर लेंगे क्योंकि यहां पे दोनों केसेस आ रहे हैं इसमें दोनों केसेस आ रहे हैं ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। यहां से Zn gives Zn2+2 electron ये कौन सी प्रोसेस है डी इलेक्ट्रोनेशन। यहां पे ऐसे कर लो Cu2+2 electron gives Cu दो पॉजिटिव है दो इलेक्ट्रॉन ऐड कर लो तो चार्ज खत्म होगा तो ये रिडक्शन रिएक्शंस ये क्या है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। इतना क्लियर। अब देखो हर एक प्रोसेस में एक्चुअल में हो क्या रहा है इसका मतलब यहां पे ये इसका क्या है ऑक्सीडेशन नंबर है ना लास्ट कंसेप्ट याद कर लो ये इसका क्या है ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे प्लस टू है जब इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ। अब बताइए ऑक्सीडेशन से हो क्या रहा है ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है ना। यहां भी देखो यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर क्योंकि नेचुरल स्टेट में है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा यहां पे क्या है देखो क्या हुआ इंक्रीज। यहां देखो इस पे क्या है यहां पे क्या है प्लस टू रिमूवल जब इलेक्ट्रॉन हुए तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ इंक्रीज हो रहा है। अब यहां पे आओ प्लस थ्री ऑक्सीडेशन नंबर यहां देखो इसका क्या है यहां पे तो क्या हुआ ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ। यहां देखो इस पे ऑक्सीडेशन नंबर क्योंकि नेचुरल स्टेट में है क्लोरीन नेचुरल स्टेट में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होता है एक रूल पढ़ा था हमने। यहां देखो क्या है ऑक्सीडेशन नंबर तब मैंने बोला था द चार्ज ऑफ आयन इज सेम एज दैट ऑफ इट्स द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन इज द सेम एज दैट ऑफ इट्स चार्ज चार्ज के बराबर ऑक्सीडेशन नंबर तो यहां से जीरो यहां से तो फिर से डिक्रीज हुआ ना। यहां चेक कर लो प्लस टू यहां से जीरो जब चार्ज होगा ही नहीं कुछ आप जीरो अपने आप ऐड कर लेना तो ये क्या हुआ फिर से डिक्रीज। तो मतलब ऑक्सीडेशन में जब इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है एक्चुअल में इंक्रीज रिडक्शन प्रोसेस में क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो हम एक और अच्छी डेफिनेशन देंगे ऑक्सीडेशन की तो इसको क्या बोल सकते हैं पर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। याद रखो ये पॉइंट ये आपको अगले साल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी काम आएगा इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड या इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर उसको भी हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन। अब देखो रिडक्शन प्रोसेस में क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है डिक्रीज को क्या लिखेंगे डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। बात समझ आ रही है बेटा रिडक्शन ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। तो जब भी आप किसी भी प्रोसेस में ऑक्सीडेशन नंबर देख रहे हो डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब वहां पे रिडक्शन हो रही है। अगर आपने देखा है किसी भी प्रोसेस में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो वो है वो प्रोसेस कौन सी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब लॉस होंगे तभी तो चार्ज बढ़ेगा ना ऑक्सीडेशन नंबर तब बढ़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन गेन हुए तो चार्ज तो कम होगा चार्ज कम होगा तो उसको हम बोलते हैं डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब रिडक्शन। तो ये दो डेफिनेशन है मॉडर्न डेफिनेशन किसके ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के। बाकी डेफिनेशन जो आपने जूनियर क्लासों में पढ़े हैं वो भी सही है
बट ये रियल डेफिनेशन है क्योंकि यहां पे वो भी एक्सप्लेन होते हैं वो डेफिनेशन भी। यहां पे वो डेफिनेशन भी एक्सप्लेन होते हैं जितने भी हमने डेफिनेशन सबसे पहले लेक्चर में स्टार्ट किए थे वो जो चार पांच डेफिनेशन हर एक सही है अपनी अपनी जगह। बट कहीं पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता है कहीं पे हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं होता है तब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को डिफाइन। बट अगर ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन भी ऐड हो रहा है उससे भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है समझ लो बात समझ लेना। Mg+O2 बताइए ये बनाएगा Mg2SMgO। इन कोक्शंट से मतलब नहीं है देखो क्या मैंने यहां पे किया अब जूनियर क्लास के डेफिनेशन याद कर लो अर्ली डेफिनेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो क्या हुआ वो ऑक्सीडेशन। अब देखो अभी मैंने बोला था इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट एक्चुअल में यहां पे ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन होती है ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और उसको देता है तो इसको खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है ये रिड्यूस हो रहा है। देखो यहां पे इसका ऑक्सीजन नंबर क्या होगा जीरो इसका नेचुरल स्टेट में क्या है जीरो है ना नेचुरल स्टेट में ऑक्सीजन नंबर जीरो के बराबर। अब बताइए यहां पे इसका ऑक्सीजन नंबर प्लस टू इसका क्या आएगा अब चेक कर लो हुआ क्या हुई ना ऑक्सीडेशन यहां से जीरो से प्लस टू गया ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा यहां देखो रिडक्शन हुई तो हुई ना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसका मतलब एक्चुअल में वहां पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं जब भी ऑक्सीजन की एडिशन होती है ना एक्चुअल में वहां पे क्या होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होती है जिसके साथ ऑक्सीजन ऐड होता है जिसके साथ ऐड होता है वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देता है। और यहां पे ऑक्सीजन किसके साथ ऐड हुआ है मैग्नीशियम एक्चुअल में यहां पे मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दिए है। तो अब आप एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बोलो वो भी ऑक्सीडेशन बट रियल डेफिनेशन जो अभी बोली थी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट या इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर वो भी तो सेटिस्फाई हो रहे हैं ना जीरो से प्लस टू गया मतलब इंक्रीज हुआ हुआ ना इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए इधर की ओर तो वो भी ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने किया। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जब भी होती है मतलब आई मीन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट जब भी ऐड होता है जिसके साथ वो ऐड होता है वो इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट को देता है इसीलिए उसकी ऑक्सीडेशन होती है समझ आ रही। इसलिए मैंने बोला वो आप पुरानी डेफिनेशन छोड़ दो ये दो डेफिनेशन याद रख लो क्योंकि हर एक डेफिनेशन इससे ही डिफाइन होती है। चलो सपोज कर लो मेरे पास एक कोई भी एलिमेंट M इसका यहां पे मान लो ऑक्सीडेशन नंबर 4 राइट। अब उसके बाद यही M यहां पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर -3 यहां पे वही M -2 यहां पे वही M -1 M0 M+1 M+2 M+3 M। अब देखो ये ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर्स ये क्या है ऑक्सीडेशन नंबर्स समझ आ रहा है। अब देखो जब मैं यहां से यहां जा रहा हूं ऐसे बताइए क्या हो रहा है तो मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये सारे प्रोसेस क्या है फिर यहां से यहां जाओ इसी तरह एंड तक तो ये क्या है फिर ऑक्सीडेशन। अब वो रिवर्स में आओ इस डायरेक्शन में आओ क्या हो रहा है +4 से +3 मतलब डिक्रीज हो रहा है +3 से +2 +1 से 0 तो ये कौन सी प्रोसेस है तो मतलब उल्टी डायरेक्शन में रिवर्स डायरेक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है
डिक्रीज। तो मतलब बैकवर्ड प्रोसेस क्या है फिर? रिडक्शन, है ना। ये ऑक्सीडेशन, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिडक्शन। इतना क्लियर? बताइए, बताइए कौन सी प्रोसेस है? हाँ देखो, यहां चेक कर लो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2। इसका मान लो x, एक का है ऑक्सीजन का -2, वो चार है किसके बराबर? क्योंकि ऊपर चार है, -1। x प्लस माइनस, -4 to 8 इक्वल टू x इक्वल टू 8 में से 1, तो इस पे ऑक्सीजन नंबर यहां पे क्या है? +7। ऑक्सीजन का यहां पर भी -2 ही है, यहां पर भी क्या होगा? अब यहां पे चेक कर लो, x प्लस -2 × 4 जीरो के बराबर, x -8 इक्वल टू x इक्वल टू +8, यहां पे ऑक्सीजन नंबर +8। अब देखो क्या हो रहा है एक्चुअल में, ऑक्सीजन का तो कुछ नहीं हो रहा है ना, ऑक्सीजन का यहां पर भी -2, वहां पर भी -2। अब देखो इसका क्या हुआ, +7 से गया +8, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। वो क्या होती है यहाँ, इसको आप इस वे में भी समझ सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन का रिमूव हुआ है तो ये प्रोसेस कौन सी है? ऑक्सीडेशन। ये प्रोसेस कौन सी है? अगर आप अब इस डायरेक्शन में आओगे ऐसे, तो वहां पे क्या होगा, अब इस वहां से आना है यहाँ, +8 से गया अब +7, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना, ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना, तो वो रिडक्शन है। यहाँ यहाँ से भी समझ सकते हो, इसको एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लो तो इलेक्ट्रॉन की एडिशन रिडक्शन। समझ आ रहा है? रिडक्शन। देखो अब और एक चीज, एक अच्छी चीज, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेसेस आर, ये लिख लेना, कंप्लीमेंट्री। क्या है इसका मतलब कंप्लीमेंट्री? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेसेस आर कंप्लीमेंट्री, बात समझ लेना। देखो इसका क्या मतलब है, बात समझ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट में डाल दीजिए। देखो इसका क्या मतलब है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका क्या मतलब है, उन इलेक्ट्रॉन को गेन करना, जो यहां से लॉस हुए यहां पे उन्हीं इलेक्ट्रॉन का गेन होना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रिडक्शन। अब आप समझ लो, ऑक्सीडेशन का मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब उन्हीं इलेक्ट्रॉन को गेन करना। अब बताइए आप, जब ये होगी तभी तो ये पॉसिबल है। समझ आ रहा है? मतलब दीज प्रोसेसेस, कहने का मतलब गिव एंड टेक प्रोसेस, दो लो, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है ये इलेक्ट्रॉन को, तो ये है ना ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस आर गिव एंड टेक प्रोसेसेस। इलेक्ट्रॉन यहां से मिल रहे और ये इलेक्ट्रॉन उन्हीं इलेक्ट्रॉन उसको, उन्हीं को बोलते हैं
क्या? कंप्लीमेंट्री। मतलब कहने का ये है, जब तक ऑक्सीडेशन नहीं होगी तब तक रिडक्शन पॉसिबल है ही नहीं। या इस वे में भी बोल सकते हो, जब तक रिडक्शन नहीं होगी मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा मतलब दूसरे को तो लॉस करवाएगा ना। बात समझ रहे बेटा? इसको क्या करना है, तो मतलब ये दूसरे से तो लॉस करवाएगा, तो मतलब जब ये नहीं होगा ये नहीं होगी, अगर ये नहीं होगी ये प्रोसेस नहीं होगी। तो दुनिया में अगर किसी भी चीज़ की ऑक्सीडेशन हो रही है डेफिनेटली किसी और चीज़ की रिडक्शन होगी। मैंने इलेक्ट्रॉन दिए, अब किसी को तो एक्सेप्ट करने है ना, जब दूसरा एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है तो उसने रिडक्शन की। अगर कोई दूसरा एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है ही नहीं, गेन करने के लिए तैयार है ही नहीं, क्या मेरा कोई फायदा होगा इलेक्ट्रॉन का रिमूव करना? नहीं होगा ना। समझ आ रही मेरी बात? जब मैं इलेक्ट्रॉन किसी को दूं, दूसरा लेने के लिए तैयार है तो मेरी ऑक्सीडेशन उसकी। अगर मैंने इलेक्ट्रॉन दिए, जो सामने वाला बंदा है उसने इलेक्ट्रॉन नहीं लिए, तो वो अल्टीमेटली वापस आएंगे ऐसे इलेक्ट्रॉन, तो मतलब इलेक्ट्रॉन तब लॉस। तो जब ऑक्सीडेशन पॉसिबल है उसके पैरेलल में जाती है, समझो ऐसे, ये है ऑक्सीडेशन, इसके अपोजिट में क्या जा रही है? अगर ऑक्सीडेशन इस डायरेक्शन में जा रही है इलेक्ट्रॉन लॉस, तो रिडक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। मतलब जब ऑक्सीडेशन हो रही है डेफिनेटली उसके पीछे रिडक्शन भी होगी। वही मैंने बोला, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेसेस आर, ये साइमल्टेनियस प्रोसेस होती है। क्या होती है? मतलब अगर किसी चीज़ को ऑक्सीडाइज होना है डेफिनेटली किसी और दूसरे चीज़ को रिड्यूस होना ही है। जब मैंने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं तो सामने वाले को अब डेफिनेटली उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना है। इसी को बोलते हैं कंप्लीमेंट्री पैरेलल प्रोसेसेस, हैं गिव एंड टेक प्रोसेसेस। एक को एक दे रहा, दूसरे को अब वही लेने हैं, तो कंप्लीमेंट्री प्रोसेसेस। इतना क्लियर? अपने नोट में डाल दीजिए ये पॉइंट। और एक चीज, चलो मैं एग्जांपल यहां पे ले रहा हूं ऐसे, Zn प्लस HCl में बैलेंस नहीं कर रहा हूं। आगे हमारे इसी यूनिट में एक टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना, रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना, तब हम बैलेंसिंग दिखाएंगे। मैं यहां पे बैलेंस नहीं कर रहा हूं। Zn प्लस HCl यहां बनता है Zn Cl2 प्लस H2। Zn प्लस HCl गिव Zn Cl2 प्लस H2। बैलेंस नहीं करा, बोलोगे सर यहां पे 2 है, रिएक्टेंट साइड में एक ही है, 2 कर लो ना अपने आप, 2 कर लो, बस बैलेंस छोड़ दो। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मेरा अभी मतलब नहीं है, वो मतलब है बाद में। यहां ऐसे लिख लो Zn प्लस Cu2 प्लस गिव्स Zn 2 प्लस Cu। समझ आ रहा? देखो, या और एक प्रोसेस, Cr2O7 2 माइनस प्लस Fe2 प्लस गिव्स Fe3 प्लस Cr3 प्लस। ये नोट कर लो आप, मैं समझाऊंगा कुछ और। चलो देखो, हाँ Cr3 प्लस है ये। देखो कंफ्यूज मत होना, बात समझ लेना, यहाँ पे है Cr2O7। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे ऑक्सीजन है, वो कहाँ गया? इसको एज सच अभी के लिए, हाल फिलहाल के लिए आप छोड़ दो। जो मुझे चीज़ समझानी है ये कहाँ गया, इसको मैं आगे बैलेंसिंग पार्ट में समझाऊंगा। बस मुझे यहाँ पे कुछ और समझाना है, हाल फिलहाल के लिए बैलेंसिंग पार्ट छोड़ दो। यहाँ पे ऑक्सीजन है सर, प्रोडक्ट साइड में है ही नहीं, वो कहाँ गया? बस जो आप मैंने लिखा ये आप नोट कर लो, जो मुझे समझाना है वही आप रख लेना अभी। देखो हो क्या रहा इसमें, इन रिएक्शन में, अब समझ लेना, अब स्टॉप कर लो राइटिंग, आगे देखो। यहाँ पे इसका ऑक्सीजन नंबर 0, एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर नेचुरल स्टेट में
जीरो के बराबर। इस पे क्या होता है? प्लस वन। बोला था मैंने हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज प्लस वन एक्सेप्ट इन मेटालिक हाइड्राइड्स। तो इसका उल्टा क्या होगा? माइनस वन। अब यहां देखो, इस पे एक पे माइनस वन, दो पे क्या होगा? तो मतलब इस पे एक ही लिखेंगे ना माइनस वन, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इज डिफाइंड पर एटम। तो यहां पे इसका क्या आएगा? या फार्मूला से भी लिख सकते हो ना, इसका मान लो एक्स माइनस माइनस वन एक का है वो दो किसके बराबर? चार्ज था ही नहीं कोई, तो एक्स प्लस माइनस माइनस टू वहां जाएगा, वही आ गया प्लस टू। यहां भी इसका ऑक्सीजन नंबर है ना जीरो, क्यों? नेचुरल स्टेट में है। अब देखो यहां पे इसका, यहां पे साफ साफ प्लस टू, यहां पे इसका जीरो, यहां पे इसका साफ, यहां पे कुछ करना ही नहीं है। अब यहां देखो क्रोमियम का निकालेंगे, प्लस सेवन आएगा। देख लो एक का मान लो एक्स है कितने, वो टू एक्स प्लस एक का माइनस टू है कितने, वो सेवन इक्वल टू चार्ज ऑन आयन माइनस टू, टू एक्स प्लस माइनस माइनस टू सेवन फोर्टीन, तो वो जाएगा उधर माइनस टू प्लस फोर्टीन, यही आएगा एक्स इक्वल टू फोर्टीन में से टू गए ट्वेल्व डिवाइड बाई टू प्लस सिक्स आएगा, सॉरी प्लस सिक्स। इसका माइनस, इसका ऑक्सीजन क्या है? माइनस टू। और देखो यहां पे इसका प्लस टू, सब पे लिखा है प्लस थ्री। अब देखो सॉरी क्या मुझे समझाना है, देखो यहां पे अभी मैं इरेज कर लो, ये देखो यहां से यहां जाओ, बताइए क्या हो रहा है? जीरो से गया प्लस टू, प्लस टू, तो इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है ना, तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन। अब देखो अब किसका चेंज हो रहा है, किसका चेंज हो रहा है? क्लोरीन का यहां पर भी माइनस वन, यहां पर भी। देखो मुझे बहुत सारे टर्म्स अब डिफाइन करने हैं। हाइड्रोजन का तो चेंज हुआ ना, यहां से यहां जाओ क्या हुआ? प्लस वन से गया जीरो में, तो मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो वो कौन सी प्रोसेस है? रिडक्शन। तो मतलब एक ही रिएक्शन में एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हो रही है, उसी रिएक्शन में दूसरे एलिमेंट की रिडक्शन हो रही है। तो जब एक ही रिएक्शन में एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन होगी और दूसरे एलिमेंट की रिडक्शन होती है, उन रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, इसीलिए नाम है रिडॉक्स। एक्चुअल में यह है रेड और ऑक्स, रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। तो क्या लिखोगे आप रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन? द रिएक्शन इज इन विच साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस आर कॉल्ड, वो रिएक्शन जिसमें साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, उन रिएक्शन का नाम क्या है? क्या अब ये रिडॉक्स रिएक्शन है ना? यहां से यहां जब एक की हो रही है ऑक्सीडेशन, यहां से यहां जाओ दूसरे की हो रही है, तो वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है, उन रिएक्शन का एक अलग क्लास रखा गया जिनका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है। यहां पे यहां पे प्लस वन और जीरो, तो अगर एच होता, समझो बात को, यहां पे क्या है इसका ऑक्सीडेशन नंबर? प्लस वन। यहां पे क्या है? नेचुरल फॉर्म में क्या होता है? प्लस वन से गया ना जीरो। नेचुरल फॉर्म में थोड़ी ना, नेचुरल फॉर्म में किसका? नेचुरल फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होता है। हाँ मैंने वही बोला ना, बैलेंस मैंने नहीं किया, इसका मतलब आपका जहन कहीं और पे है। मैंने क्या बोला था? बैलेंसिंग पार्ट अब टू कर लो ना अपने आप, इसमें क्या है? टू कर लो, ये आएगा, हो गया बैलेंस।
अब फिर से देख लो एक पे क्या है, तो ये तो एक ही के लिए डिफाइंड है ना, एक पे फिर से प्लस टू आएगा, दो पे क्या आएगा, एक पे प्लस टू, दो पे क्या आएगा, अब यहां पे एक पे माइनस वन, दो पे क्या आएगा, ओवरऑल चार्ज तो लॉ कंजर्वेशन चार्ज तो फॉलो हुआ ना, फिर से समझ आ रहा है। मैंने इसलिए पहले ही बोला था बैलेंसिंग पार्ट आप हाल फिलहाल के लिए छोड़ दो, बैलेंसिंग पार्ट आप, ये हमारा आगे नेक्स्ट टॉपिक है ही इस यूनिट में, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आपको प्रॉब्लम है इसको टू कर लो, ये एक पे प्लस वन दो पे प्लस टू, तो यहाँ पे एक पे माइनस वन दो पे आएगा माइनस टू, तो वही तो है यहाँ पे बैलेंस तो हुआ। तो मतलब वो रिएक्शंस जिसमें साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन भी होती है और साइमल्टेनियसली, उन रिएक्शंस का एक अलग क्लास रखा गया है जिनका नाम है रिडॉक्स रिएक्शंस, द रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस। समझ आ रहा है? अब और एक टर्म यही से डिफाइन कर लेंगे। देखो क्लोरीन का रिएक्टेंट साइड में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर, प्रोडक्ट साइड में भी क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन, मतलब इसका चेंज नहीं हुआ। हुआ क्या चेंज? इसका जीरो, यहां पे प्लस टू चेंज हुआ, इसका प्लस वन यहां पे जीरो चेंज हुआ, बट इसका रिएक्टेंट साइड में भी माइनस वन, इसका प्रोडक्ट साइड में भी। अब कुछ एलिमेंट्स या कुछ स्पीशीज ऐसे होते हैं रिडॉक्स रिएक्शन में जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है, उनको हम बोलते हैं स्पेक्टेटर स्पीशीज। क्या बोलते हैं? मतलब वो खाली देखते अंदर क्या हो रहा है, स्पेक्टेटर। जैसे कि क्रिकेट मैच फील्ड में 10-15 प्लेयर्स वो देख खेल रहे हैं और बाकी तमाशाई वो जस्ट देख रहे हैं अंदर हो क्या रहा है। तो ये क्या है फिर? स्पेक्टेटर। हाँ स्पेक्टेटर, जैसे कि हो ना फील्ड क्रिकेट मैच में स्टेडियम में 5-10 बंदे खेल रहे हैं और बाकी बाहर क्या होते हैं, तमाशाई वो देख रहे हैं, उनको बोलते स्पेक्टेटर। तो वो स्पीशीज जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा रिडॉक्स रिएक्शन में, याद रख लो पॉइंट, वो स्पीशीज जिनका ऑक्सीडेशन नंबर रिडॉक्स रिएक्शन में चेंज नहीं होगा उनको हम बोलते हैं स्पेक्टेटर स्पीशीज। द स्पीशीज हुज ऑक्सीडेशन नंबर डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन आर कॉल्ड स्पेक्टेटर स्पीशीज। ये लिख लेना। अब सेकेंड रिएक्शन पे आइए आप, सेकेंड रिएक्शन चेक कर लो। देखो यहां से यहां जाइए क्या हो रहा है, जीरो से गया प्लस टू, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। ये कौन सी प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन। अब इसको देख लीजिए आप क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टू से गया जीरो, तो मतलब रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो वो कौन सी प्रोसेस है? रिडक्शन। तो क्या ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है? क्या ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है? अब थर्ड को चेक कर लो, इसका क्या था? प्लस सिक्स। अब प्रोडक्ट साइड में देखो इसका क्या है, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ ना, तो ये कौन सी प्रोसेस है? रिडक्शन, राइट। तो ये देखो यहां से चेक कर लो, प्लस टू से गया प्लस थ्री, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, तो ये कौन सी प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन। तो क्या ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है? क्या ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है? तो सिंपली कहने का मतलब ये है, रिडॉक्स रिएक्शन में एक स्पीशी ऑक्सीडाइज हो रही है, दूसरी स्पीशी रिड्यूस हो रही है। जो इलेक्ट्रॉन लॉस करती है वो ऑक्सीडाइज होती है ना, यहां पे इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो हुआ ना इसने कन्वर्ट सडन टू, मतलब ये ऑक्सीडाइज हुआ। अब जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किए वो हुआ रिड्यूस, रिड्यूस कौन हुआ यहां पे? एच, यहां पे इसका प्लस वन, अब यहां पे क्या है, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए है तो वो हुआ रिड्यूस। तो सिंपली रिडॉक्स रिएक्शन में एक स्पीशी ऑक्सीडाइज होती है, दूसरी स्पीशी क्या होती है, तो वो प्रोसेस जिनमें बोथ ऑक्सीडेशन भी होती है और साथ में रिडक्शन भी होती है उनको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। इतना क्लियर रिडॉक्स रिएक्शंस। देखो जो रिडॉक्स रिएक्शंस होती है ना एक्चुअल में वहां पे दो हाफ्स होते हैं, हाफ HAL,
रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होती है? टू हाफ्स. क्या होती है? एक होता है ऑक्सीडेशन हाफ, दूसरा होता है रिडक्शन हाफ. क्योंकि आपने अभी तक यह सुना है रिडॉक्स रिएक्शन में दोनों रिएक्शंस होती है, ऑक्सीडेशन भी. अब उनको दोनों को एड अप कर लो, वो क्या बनेगी? रिडॉक्स रिएक्शन. इसीलिए मैंने बोला रिडॉक्स रिएक्शन में टू हाफ्स होते हैं. कितने होते हैं? दो हाफ्स होती है, एक होती है ऑक्सीडेशन हाफ, दूसरी होती है. तो उसको आप मतलब पूरे रिडॉक्स रिएक्शन को आप स्प्लिट भी कर सकते हो टू हाफ्स में, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ के लिए. जैसे कि एक एग्जांपल लेंगे यहां पे, एग्जाम्पल लेंगे जैसे कि ये Zn. देखो एग्जाम्पल ये है Zn प्लस Cu2 प्लस, अभी हमने किया है ये क्या है? ये रिडॉक्स रिएक्शन अभी हमने डिस्कस किया ना, ये क्या है? देखो इस रिडॉक्स रिएक्शन को मैं दो हालों से ब्रेक कर सकता हूं, ऑक्सीडेशन हाफ में और रिडक्शन हाफ में. देखो बताइए ऊपर किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है? जिंक की. तो ऐसे ऐसे लिखो ऑक्सीडेशन हाफ, Zn कन्वर्ट हो रहा है किसमें? Zn 2 प्लस में और दो इलेक्ट्रॉन तो बाहर जाएंगे ना, समझ आ रही है मेरी बात? दो इलेक्ट्रॉन तो बाहर जाएंगे तभी तो ऑक्सीडाइज हुआ ना. अब दूसरी बात रिडक्शन हाफ, रिडक्शन हाफ. देखो कॉपर 2 प्लस, वो दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और किस में कन्वर्ट हो रहा है? कॉपर में. देखो यहां पे 0 किस में कन्वर्ट हुआ? ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज. तो कौन सी प्रोसेस है? मतलब डी इलेक्ट्रोनेशन. डी इलेक्ट्रोनेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑक्सीडेशन. अब यहां देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे प्लस 2, यहां पे इसका, अब देखो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है. तो वो कौन सी प्रोसेस है? देखो क्या यही रिएक्शन ऊपर थी? उसी को मैंने ब्रेक किया टू हाफ्स में, एक ऑक्सीडेशन हाफ दूसरा रिडक्शन हाफ. देखो अगर आप इनको ऐड कर लोगे ना इसे, समझ लेना. और एक चीज इंपॉर्टेंट याद रख, अगर आप इनको ऐड कर लोगे, ऐड इस तरह से करना है. देखो ये क्या है, क्या आपको इस रिडॉक्स कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन में कहीं पे इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं ना, बट इसके हाफ सेल में या हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं. इसका एक हाफ है ना, ये उसी रिएक्शन का, ये इसी रिएक्शन का सेकंड हाफ है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं. तो जो कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन्स आपको नहीं शो करने. क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कभी भी प्रोडक्ट नहीं बन सकते हैं. क्या ये कंप्लीट रिएक्शन है? बात समझ लेना, क्या ये कंप्लीट रिएक्शन है? ये इनकम्प्लीट रिएक्शन है. जब ये इसके साथ होगी तब ये क्या बनेगी? दोनों को ऐड कर लो वही तो. ये ऑक्सीडेशन बोला मैंने क्योंकि ऑक्सीडेशन का कोई मतलब नहीं विदाउट रिडक्शन, रिडक्शन का कोई भी मतलब नहीं होता है विदाउट ऑक्सीडेशन. तो ये एक ही हाफ है. ये कब ये कर सकता है? जब कॉपर लेने के लिए तैयार होगा. जिंक ये प्रोसेस तब कर सकता है, मतलब ऑक्सीडेशन तब कर सकता है जब दूसरा बंदा उन इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए तैयार होगा. वही मैंने बोला ऑक्सीडेशन हैज नो मीनिंग विदाउट रिडक्शन एंड वाइस वर्सा, दैट मीन्स रिडक्शन हैज नो मीनिंग विदाउट ऑक्सीडेशन. तो ये कंप्लीट रिएक्शन है, इसका एक हाफ ये है, इसका दूसरा हाफ ये है. क्या आपको पूरे रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स कहीं पे नजर आ रहे?
बट उसके हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स शो हो रहे हैं। जब आपको रॉक्स रिएक्शन लिखनी है वहां पे आपको इलेक्ट्रॉन्स शो नहीं करने हैं। तो जब मैं इनको ऐड कर लूंगा, ऐड इस तरह से करना है, इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल होनी चाहिए। देखो ऐड करना है दोनों को, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन इस साइड, वहां पे इलेक्ट्रॉन उस साइड, दो। अगर मैं उन इलेक्ट्रॉन्स को इस साइड ले जाऊं वो है प्लस, इस साइड क्या होंगे ऑलरेडी यहां पे प्लस टू इलेक्ट्रॉन, तो कैंसिल हो गए। तो मतलब कहने का मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हुए, तो फाइनल रिएक्शन क्या आएगी यहां से Zn। अब रिएक्टेंट साइड में ऐड होंगे, और यहां पे क्या है प्लस Cu2+ गिव्स। अब प्रोडक्ट साइड में देखो Zn 2+ प्लस प्रोडक्ट साइड में ये भी है। सिंपली करना क्या है, जो यहां पे स्पीशी है रिएक्टर साइड में दोनों हाफ में उनको रिएक्टर साइड में लिख लो, लिख लो बीच में प्लस। जो प्रोडक्ट साइड में स्पीशीज है उनको प्रोडक्ट साइड में लिखो और बीच में प्लस, दिस प्लस दिस, और ऐड इस तरह से करना है इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल होने चाहिए। ऐड इस तरह से करना है इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन वन होता, सपोज यहां पर कितने थे, सपोज वो यहां पर केस है ही नहीं, मे बी कोई केस आ सकता है वैसा, यहां पर इलेक्ट्रॉन अगर वन होता यहां पर क्या होता, तब ऐड कैसे करोगे, इलेक्ट्रॉन तो आपको बराबर बनानी है ना, तभी तो कैंसिल होगी। तब क्या करना है, इस इक्वेशन को टू से मल्टीपल कर लो, तो बनेगा दो इलेक्ट्रॉन और यहां पे दो इलेक्ट्रॉन, वो आएंगे आगे आगे केस जब हम आगे जाएंगे रिडॉक्स रिएक्शन में, समझ आ रहा है। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन है, अब मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ऐड किया, वही तो मैंने बोला था ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन इक्वल टू रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन इक्वल टू रिडॉक्स, ये है ऑक्सीडेशन प्लस मैंने इसके साथ किया प्लस किया, तो ये बन गई रिडॉक्स रिएक्शन। तो फाइनल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स शो नहीं हो रहे, तो ये आप याद रख लो, जब आप रिडॉक्स रिएक्शन याद रखो माइंड में, जब आप रिडॉक्स रिएक्शन लिखोगे ना तो आपको उस रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखने, बट अगर आप उसी रिडॉक्स रिएक्शन को ब्रेक कर लोगे, बात समझ आ रही है, अगर आप उसी रिडॉक्स रिएक्शन को कितने हाफ उसमें ब्रेक कर सकते हो, ऑक्सीडेशन हाफ एंड, तो ऑक्सीडेशन हाफ में आपको प्रोडक्ट साइड में इलेक्ट्रॉन दिखानी है, रिडक्शन हाफ में आपको रिएक्टेंट साइड में इलेक्ट्रॉन शो करने, जब ऐड करोगे फाइनल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये फाइनल रिएक्शन है ना, ये फाइनल रिएक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कभी भी प्रोडक्ट नहीं बन सकते, इलेक्ट्रॉन्स कभी भी, इसीलिए फाइनल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए। अब देखो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से लॉस हुए, वहां से क्या हुए, एक हाफ में इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन हाफ सिंपली वो होता है जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। रिडॉक्स रिएक्शन के दो हाल्व्स, एक ऑक्सीडेशन हाफ, दूसरा ऑक्सीडेशन हाफ में इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं, वही इलेक्ट्रॉन्स रिडक्शन हाफ में गेन होते हैं, बात समझ आ रही है। तो कहने का मतलब ये है, यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, वो यहां से वही इलेक्ट्रॉन गेन हुए, बट तो यहां पे आपको इलेक्ट्रॉन कहीं पर नजर, तो इसका मतलब इसमें जो एक हाफ है उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, जो इसका दूसरा हाफ है उसने उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, तो दैट मीन्स सिंपली रॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, हुआ ना, एक हाफ ने इलेक्ट्रॉन दिए दूसरे हाफ ने इलेक्ट्रॉन लिए, तो सिंपली हम बोल सकते हैं ना इसे रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन, वो रिएक्शन जिसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, बोल सकते हैं ना, ये है मॉडर्न डेफिनेशन, वो रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं उनको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब ट्रांसफर कहां से कहां हो रहे, ऑक्सीडेशन हाफ से ट्रांसफर हो रहे हैं रिडक्शन हाफ की ओर, बात समझ आ रही है, ऑक्सीडेशन हाफ से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे रिडक्शन की ओर। तो सिंपली रॉक्स रिएक्शंस आर द रिएक्शंस इन विच ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस फ्रॉम ऑक्सीडेशन हाफ टू रिडक्शन हाफ आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस। इतना क्लियर? तो आपको ये आना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है, बात समझ लो,
एग्जाम में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, आपके पास एक रेडॉक्स रिएक्शन दी हुई है, आपसे पूछेंगे इसको आप ब्रेक कर लो ऑक्सीडेशन हाफ में, तो यहां से आइडेंटिफाई करना है किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है उसका ऑक्सीडेशन हाफ बनाना है, किसकी रिडक्शन हो रही है मतलब किसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है उसको ऑक्सीडेशन हाफ में लिखना है, किसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है उसको रिडक्शन हाफ में लिखना है, या मे भी आपको ये भी देंगे, आपके आपको देंगे ऑक्सीडेशन हाफ भी और देंगे रिडक्शन हाफ, बताइए ओवरऑल रिएक्शन, बताइए ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी इसके, रिडॉक्स रिएक्शन ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, रिडॉक्स रिएक्शन, तो आपको बोलेंगे उसकी ओवरऑल मतलब रिडॉक्स रिएक्शन लिखो, तब क्या करोगे इस तरह ऐड कर लोगे, ऐड उस तरह से करना है इलेक्ट्रॉन्स कैंसल होने चाहिए, वो आपको फाइनल रिएक्शन में नहीं आने चाहिए, समझ आ रहा है, तो क्वेश्चन आ सकती है बोर्ड, क्योंकि आजकल आपका जो क्लास 11th का एग्जाम होता है वो एज पर CBSE पैटर्न होता है, CBSE पैटर्न में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन देखिए बोलेंगे इसको ब्रेक कर लो, इसका ऑक्सीडेशन हाफ लिख लिए और इसका रिडक्शन हाफ लिखो, या रिवर्स भी बोल सकते हैं, आपके पास ऑक्सीजन हाफ भी देंगे रिडक्शन हाफ भी देंगे, इसका बताइए इसकी ओवरऑल रिएक्शन मतलब रिडॉक्स रिएक्शन लिख लो इसको, ये आपको आना चाहिए। हाँ टाइम क्या होगा इसका चेक कर लो आप, बहुत सारे टर्म्स मैंने बीच में बोले, स्पेक्टेटर स्पीशीज भी ना, क्या होते हैं वो, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है रिडॉक्स रिएक्शन में, रिडॉक्स रिएक्शन में जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है। अब है आगे थोड़ा मूव ऑन कर लेंगे, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स है, चलो उनको नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे हम, अब एक घंटे का लेक्चर हुआ है ऑलमोस्ट, चलो इस लेक्चर में इतना ही, अब इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।